किसी भी चीज के लिए इतना परेशान मत होना कि तुम्हारा आत्मकल्याण अवरुद्ध हो जाए। क्या कहा मैंने? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कुछ भी ध्यान मत रखो, मेरी तरफ से रखो, लेकिन कितना आत्मकल्याण ना चुभ जाए उतना। ये नहीं कि सुबह ध्यान तो करना ही ना, योगा कर रहे, योगा करो 10 मिनट तो 20 मिनट आत्मा का ध्यान करो, तब तो बात ठीक है। ये कोई बात नहीं हुई कि तुम शरीर की पुरजोड़ में जीवन लगा दे रहे, सुबह उठ तो जाते हो 5 बजे, पार्क चले जाते हो, दौड़ते हो, योगा करते हो, तो 10 मिनट का आत्म ध्यान करते नहीं तो मूर्ख हो तुम। इस शरीर तो तुम्हारे हिसाब से फिर भी नहीं चल। अभी मैं कल एक वो देख रहा था, परसों देख रहा था, उसमें बता रहा था कि दुनिया में उठा के देखो आप, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ नहीं होता बॉडी बनाने से, तो वो ये बता रहा था कि मैंने एक सर्वे किया, जितने बॉडी बिल्डर हैं वे 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीते, कोई 45 वर्ष में मर जाता है, कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 25 से ज़्यादा जीते ही नहीं, ख्याल में है ना, और कोई हार्ट फेल से मर जाता है, क्योंकि शरीर को इतना खींचते हैं कि वो फट जाता है, क्योंकि उसमें क्षमता थोड़ी है। अगर हम देखो जे अपन जो राजा महाराजाओं के शरीर देखते थे ना पहले के लोग, वैसे कोई जिम में जाके नहीं बनाते थे वे उनके प्रकृति से बनते थे शरीर, समझ में आया उनका ऐसा। अब तुम्हारा क्या है, उतनी जगह तो है नहीं, तुम फुला रहे हो उसको लाल ताकत लगा लगा के, तो वे नशे क्या फट रही, शरीर अननेचुरल हो रहा है, ख्याल में। तो वो बता रहा था कि और जो कुछ नहीं करते, दाल रोटी खाते हैं, समझ में आया, और ना कोई जिम ना कुछ, 90 वर्ष तक जी रहे, 80 वर्ष तक जी रहे। तो शरीर का भी ध्यान रखने की मना नहीं, लेकिन अत्यधिक ध्यान रखना वो भी आत्म कल्याण छोड़ के, इससे ज़्यादा मूर्खता कुछ नहीं। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना ऐसे में शिक्षा कभी नहीं देता, ध्यान रखो, लेकिन उतना ही ध्यान रखो जिसमें तुम्हारा आत्मश्रद्धान, आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब ना हो। आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्म ध्यान डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कोई भी काम इस पृथ्वी पर करने लायक नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो, कुछ भी। क्या कहा मैंने? स्वधर्मेंद्र बनाता हो कोई तुम्हें, क्या बनाता हो, मुफ्त में बनाता हो, और तुम्हें ऐसा लगे कि इससे मेरा पूरा आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब हो रहा है, उस स्वधर्मेंद्र पद को ठुकरा देना, कहना मुझे नहीं चाहिए, किसी और को बनाओ, पकड़ में है। और हाँ, तुम ताकतवर हो, तुम ऐसे श्रद्धा नहीं हो कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया जाए तो अभी तुम्हारा आत्मश्रद्धा डिस्टर्ब नहीं होता, तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। मैं कभी किसी, क्यों, हमारे चक्रवर्ती आदि थे ही ना, 6 खंड के राजा थे तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, एक प्राइम मिनिस्टर तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, वे तो कितने खंड के राजा थे, 6 खंड, और 6 खंड नहीं समझ सकते तुम दिमाग में, तो ऐसा समझ लो 1 खंड पूरा भारत के बराबर, जितना भारत और चाइना है ना इसका 1 खंड, जैसे 6 खंड कर दो, इतने देशों के राजा होते थे और 4 समृष्टि होते थे, कोई उनको आत्मश्रद्धान में डिस्टर्बेंस नहीं आता था। अगर तुम ऐसे पुरुषार्थ वाले जीव हो तो मेरी तरफ से तो तुम तुरंत जाओ प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन तुम देखते हो कि तुम पार्षद की लाइन में खड़े होते हो, तुम्हारा आत्मा गायब हो जाता है, गाय में खड़े होते हो पार्षद, ये पार्षद 2 कौड़ी का आदमी प्राइम मिनिस्टर के सामने, वो पार्षद जैसी स्थिति में हमारी ये हालत हो जाती है तो हम विधायक और लोकसभा और सांसद बन गए तो दोनों मर ही जाएंगे, तो इसका मतलब अपन को नहीं जाना इस रास्ते, सीधा खड़े थे ना। मैं कभी किसी को कोई रास्ते जाने से रोकता ही नहीं, क्या पैसा कमाना है तुम्हें, क्या कि इतना पैसा कमाओ कि आत्म कल्याण, आत्म ध्यान, आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसे चाहे तुम मुकेश अंबानी बन जाओ मेरी तरफ से, मैं डरने की बात थोड़ी, लेकिन तुम देखते हो कि मैं पैसा ज़्यादा कमाता हूँ मेरी बुद्धि खराब हो जाती है, जैसे ही ज़्यादा पैसा आता है मैं सब भूल जाता हूँ, इसका मतलब ज़्यादा मत कमाओ, व्यर्थ में जीवन चला जाएगा। आपकी एक लिमिट बता दी मैंने आज के प्रवचन में, आपका आत्मश्रद्धान, आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान जिस कारण छूट जाए वो कारण कभी मत बनाना, उसको तुरंत वहीं छोड़ देना, चाहे वो कितना ही कीमती हो, कोई मतलब का नहीं है।
क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि वो कारण तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता। और आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ के दुनिया में कोई भी काम करने लायक नहीं है। आत्म कल्याण होता रहे, साथ में और काम होते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्म कल्याण छूट जाए ऐसा क्या काम। देखो ऐसा समझ लो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारा बेटा है, तुम दुकान भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, और तुम दुकान पे बैठे और खबर आ जाए कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें दुकान चलाते रहनी चाहिए कि क्या करोगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर बेटे का एक्सीडेंट हो जाए तो दुकान से भागोगे कि वहीं बैठे रहोगे। मैं कहूँगा यार क्यों भाग रहे, दुकान पर इतने ग्राहक हैं, हो गया तो हो जाए, तो तुम क्या जवाब दोगे, पागल हो गया। अरे दुकान भी उसी के लिए है, ये पैसा भी उसी के लिए कमा रहा, और बेटा ही नहीं रहेगा तो सब बेकार। ऐसे तुम रोटी भी खाओ तो आत्म कल्याण के लिए, दुकान भी चलाओ तो आत्म कल्याण के लिए। सब्जी दुकान आत्म कल्याण के लिए कैसे चलाना, क्योंकि मुनि बनने की ताकत नहीं है और गृहस्थ जीवन में रहना है तो रोटी खानी पड़ेगी, हल में ना सब व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी, इसलिए दुकान भी चलानी पड़ेगी क्योंकि मुझे आत्म कल्याण करना है। क्या करना है, अच्छा आत्म कल्याण करने दुकान का क्या मतलब है कि अगर मैं दुकान नहीं चलाऊंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा और दूसरे के भरोसे हो जाऊंगा कि तुम मुझे रोटी दे दो, मैं आत्म कल्याण में लगता हूँ, तो भैया मेरे परिणाम बिगड़ेंगे और रोटी तो समाज वाले दे भी देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम रोटी किसको दे सकते हो धर्म के नाम पर, बोलो। प्रश्न है मेरा, तुम रोटी किसे दे सकते हो धर्म के नाम पर, नहीं समझ में आया अभी, नहीं समझ में आया हो। देखो तुम किसे रोटी दे सकते हो, महाराज को रोटी दे सकते हो, समझ में, महाराज जी है ना, उनकी व्यवस्था बना सकते हो। कोई त्यागी ब्रह्मचारी हो, आर्य का हो, उनकी व्यवस्था बना सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि मेरी व्यवस्था बना दो, आप कहोगे आप क्यों आपकी क्यों बना दे, नहीं मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, तो छोड़ो अपनी पत्नी, नहीं पत्नी तो मेरे साथ रहेगी, पत्नी के बना नहीं रह सकते। बाल बच्चे सब नहीं, सबका ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, रखोगे, ओके भाई अपना कमाओ अपना करो। माने अगर तुम्हें पत्नी रखने का राग है, तुम्हें बाल बच्चों का राग है, ख्याल में है ना, तो तुम्हें कमाना भी पड़ेगा, पकड़ में आ रही मेरी बात। तो समाज वाले भी उसी का करते हैं जिसके पास ये सब ना हो, और सही बात है, करना भी क्यों, जब तुम्हें इतना राग है तो फिर दुकान भी चलाओ। ऐसा तो नहीं चल सकता कि पत्नी रखने का तो राग है लेकिन दुकान नहीं चलाएंगे जी, क्योंकि उसमें हिंसा होती है, तो पत्नी रखने में हिंसा होती है, नहीं समझ में आया। लोग करते ना ऐसे, अरे जी हम तो बस, हम तो चाहते हमारे व्यापार धंधे ना करें, पत्नी बाल बच्चे हैं बस ठीक है, अब हम तो सारे क्यों, ये राग है तो फिर इस राग को भी तुम्हें प्यार पूरा करना पड़ेगा। ये कई पंडित समाज के भरोसे हो जाते हैं, अभी समाज वाले तो फिर समाज वाले हैं, और फिर क्या होता है, पंडित जी को जैसे रहना वो रह नहीं सकते, क्योंकि जब तुम्हें दूसरा पैसा देता है तो उसके हिसाब से, अब मेरी फैक्ट्री में अगर लड़के काम कर रहे हैं और मैं उनको 15,000 महीने दे रहा हूँ, तो भाई मेरे अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तुरंत रख भाई साहब मैं 2 मिनट बात कर लूँ, नहीं करेगा चलो परंतु रखो, क्यों सुन रहा है वो मेरी, अरे क्यों सुन रहा है, मैं तो उसे पूछा वो मेरी क्यों सुन रहा है, क्योंकि मैं 15,000 दे रहा हूँ और मान के चलो उसने हिसाब करवा लिया, करो मेरा हिसाब, नहीं करना तुम्हारे यहाँ नौकरी, पर अब मोबाइल पे बात करें अब रोक सकते हो, अब कहोगे भाई साहब जाओ अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आपको समाज वाले खिलाते पिलाते हैं, जब समाज की सेवा लेते हो, तो फिर समाज वाले अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, ख्याल में है ना, फिर चाहे तुम कुछ भी हो। अब पंडित जी को अपनी पत्नी के साथ नाचना है तो नाच नहीं सकते, समाज वाले कहेंगे ये नहीं बर्दाश्त करेंगे हम, कि हम तुम्हें सब व्यवस्था भी दे और तुम ऐसे करो। ब्रह्मचारी कोई समाज में पैसा काम करना चाहे तो समाज वाले निष्कासित कर देंगे, भगवत इधर से। तो भैया जगत में पराधीनता चलोगे, दूसरों के अनुसार चलोगे तो दूसरा तुम्हारी सपोर्ट करेगा, तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो जैन दर्शन कहता है
कि जो भूमिका जिस जीव की है उसको उस भूमिका में रहना चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसे आत्म कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।